देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसमें मेरा प्यारा सा टर्टल भी है। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ, देखिए कितनी प्यारी है। देखो इनको भूख लगी है, इनका खाना देने का समय हो गया है। ये सब मेरे पास भाग भाग के आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो इधर घूम रही हैं भटकती हुई। ये देखिए इसके पर थोड़े से टूट गए हैं फ्रेंड। ये बेचारी थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, किसी ने लड़ाई किया है। इसमें दो तीन फीसेस बदमाश हैं थोड़ी सी, अटैकर टाइप की, तो वो लड़ती रहती हैं। ये देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे जो है इसमें रॉड लगाना पड़ता है, तो पानी को नॉर्मल रखता है वो। ये देखिए मेरा कछुआ, देखिए कैसे भाग रहा है। ये मेरा मुनमुन है प्यारा सा, इसको भी भूख लगी, देखो खाना मांग रहा है, कैसे मांग रहा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ये मेरी ब्लू फिश है। इसको पहले मैं अकेले एक जार में रखती थी, और जो है फिर हमें लगा कि बेचारी अकेली रहती है तो इसको अकेलापन महसूस होता है, तो मैंने इसको फिर इसी में डाल दिया। ये देखिए, ये देखिए सब खाना मांग रही हैं, सबको भूख लगी हुई है। ये देखिए ये मेरी पिंक शेड में है फिश। ये देखिए, ये देखो कैसे इन लोगों को भूख लगी है, तो सब खाना मांग रही हैं। जिधर जिधर मेरा कैमरा जाएगा उधर उधर ये लोग भागती हुई आएंगी। ये देखिए इनका टाइम हो गया खाना खाने का, सुबह शाम दो टाइम इनको मैं देती हूँ दाने, और अच्छा होता है, मछलियों को रखना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है। प्रकृति मेरा सबसे प्रिय शौक है। देखो ये कछुआ मेरा पास में आ गया, बेचारा खाना मांग रहा है मुझसे, बताइए भूखा है बेचारा। आज मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो मैं इनको जल्दी से कुछ दे नहीं पाई हूँ। अभी मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मेरे पास आएंगे तो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी, इस चक्कर में मैं इनको पहले वीडियो बना रही फिर इनको खाना दूँगी। अभी मैंने स्टोन सारे निकाल दिए हैं इसमें से, क्योंकि गंदे हो जाते हैं और सर्दियों में बहुत मेहनत लगती है इनको साफ़ करना, और 15-15 दिन में इसकी साफ़ सुथरे करना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरी प्यारी सी मछली है। बेचारा मेरा चुनमुन उधर चला गया, उसको लगा कि खाना नहीं मिलेगा आज मुझे।